My dear students, as you know, we are learning a poem by William Wordsworth, To Sleep. Sleep किसको कहा जाता है? Sleep नींद को कहा जाता है. Let's learn. A flock of sheep that leisurely pass by, one after one, the sound of rain and bees murmuring, the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky. I have thought of all by turns, and still I lie sleepless, and soon the small birds' melodies must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo's melancholy cry. Even thus, last night and two nights more, I lay and could not win thee sleep by any tilt without thee. What is all the morning wealth? Come, blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health. My dear students, speaker कह रहे हैं, poet हमें बता रहे हैं, हमने इसकी समरी जो आपको दी है तो हम वर्ड टू वर्ड इसका देखेंगे. वो बोल रहे हैं कि जब मैं दो दिनों से नहीं सोया, मैं पिछले दो दिनों से मुझे नींद नहीं आई और मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया. क्या सोचना उसने शुरू कर दिया, यही हमने पढ़ा. फ्लॉक ऑफ शीप दैट लेजरली पास बाय, भेड़ों का झुंड जो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है करीब से. वन आफ्टर वन द साउंड ऑफ रेन एंड बीज, एक एक करके बारिश की आवाज़ और शहद की मक्खियाँ. मरमरिंग द फॉल ऑफ रिवर्स, विंडस एंड सीज, बन बनाती हुई दरियाओं का जर्जर बहना. स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट्स ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई, दरियाओं का जर्जर बहना, हवाएं और समंदर, हमवार मैदान, पानी की सफ़ेद चादरें और साफ आसमान. ये सब शायर के ख्यालात हैं. इन सब चीज़ों के को वो सुन रहा था या वो इनके बारे में सोच रहा था. बाहर से उसको लग रहा था शहद के मक्खियों की आवाज़ है, भनभनाती हुई तुम तुम करना चाहता, दरियाओं का जर जर बहना, पानी का शोर जिसे हम कहेंगे, हवा या समंदर, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था. आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाय टर्न्स, इन सब के बारे में मैंने एक एक करके सोचा, मैंने सोचा है बारी बारी इन सब के बारे में. इस तरह से कमानी बनेगा. स्लीपलेस एंड सून द स्मॉल बर्ड्स मेलोडीज, यानी कि मैं सोया था लेकिन नींद के बिना, उसको कहेंगे हम मैं पढ़ा था नींद के बिना, और जल्द ही छोटे छोटे परिंदों की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी, जिनमें सबसे पहले मेरे बगीचे से या दरख्तों से निकलती हुई आवाज़ जो मेरे कानों से टकराई, वो किसकी थी? मेलनकोली पपीहा जिसको कहा जाता है, कोयल कुकू की उदासी भरा सुर मीनस क्राई, मेलनकोली क्राई, उदासी भरी आवाज़ सबसे पहले मेरे कानों से सुबह ही सुबह जब जानवरों की आवाज़ आती है. सुबह ही सुबह अगर तुम वारे सुलि ऐसी सुबह वो जानवर कूता शोर तथा पे शायर वनान विलियम वर्ड्सवर्थ ये मन वनान कि मैं ना सा आई नंद मैं ना सा नंदर कि मैं इनसोमनिया गुमत बहुत पे वन चीज़न बारस मज सोचा किस किस के बारे में सोचता था वो सब शायर ने हमें बता दिया. और ये पूरा रात गुजरान पे सुबह जानवर चहचहाट तिहज आवाज़ यहाँ सर्वियन ब्रोट कि आवाज़ उस बो बोजा कुकूज मेलनकोली क्राई पपीहे की उदासी भरी
आवाज या उसका उदासी भरा सुर, ठीक है बच्चों। इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर आई ले, इवन दस लास्ट नाइट, कल वाली रात और उससे पहली दो रातें, ऐसा ही इसको ऐसे हम कहेंगे, ऐसा ही हुआ पिछली रात और दूसरी रातों को भी मैं पड़ा रहा, क्योंकि उसको नींद नहीं आई थी। इस तरह से इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर आई ले, ऐसा ही हुआ पिछली रात और उससे पहले दो रातों को भी मैं ऐसे ही पड़ा रहा नींद के बगैर और सो न सका। और ए नींद, यहाँ पे बोल रहे हैं शायर, एंड कुड नॉट विन दी स्लीप, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। इस तरह से नींद को मुखातिब करते हैं, ए नींद, कल वाली रात और उससे पहली दो रातों को मैंने आपको नहीं पाया, मुझे लगा जैसे आप चोरी हो गई हो, बाय एनी स्टील, जैसे आपको किसी ने चुरा लिया हो। और ए नींद, तुम्हारे बिना ये सुबह की दौलत ही क्या है, ये सुबह की दौलत ही क्या है। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, आओ ए दिन और दिन के बीच की मुकद्दस रुकावट, कम ब्लेस्ड बैरियर रुकावट, ताज़ा तसव्वुरात और मसरत बख्श सेहत देने वाली, इसने यहाँ पे लिखा है डियर मदर, प्यारी माँ, यानी इसने नींद को माँ के साथ जोड़ा है, यानी जो ये नींद है ये हमारे अच्छे ख्यालात की, हमारे सेहत के लिए जो नींद है वो इसी तरह से जैसे माँ मुकद्दस होती है, जैसे माँ से हमें राहत मिलती है, इसी तरह इसने माँ माँ का दर्जा नींद को दिया है यहाँ पे। तो जो ये नींद है यही हमारे लिए फ्रेश थॉट्स लाती है, ताज़ा ख्यालात लाती है, ताज़ा तसव्वुरात लाती है, मसरत लाती है, खुशी लाती है। तो जब नींद ही ना आएगी तो हम दिन में सेहतमंद कैसे रह पाएंगे, समझ में आ रही है बात बच्चों। क्योंकि शायर जो था स्लीपलेस था, तो वह नींद की अहमियत बता रहे हैं यहाँ पे कि नींद की क्या, अगर नींद नहीं आएंगी तो हम दिन में ताज़ा महसूस नहीं कर पाएंगे, तो हमें ताज़ा तसव्वुरात महसूस नहीं होंगे, हमें अपने अपना आप मसरत बख्श नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये नींद है यही सेहत को भी यही हमें अच्छा सेहत बख्शती है, इसी से हम दिन में भी ताज़ा रहते हैं, क्योंकि जब भरपूर नींद हमने की होती है तो हमारा जहन जो होता है ताज़ा रहता है, हम थकावट महसूस नहीं करते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। तो इस तरह से इसने इसको मदर से तशबी दी है, माँ से, जैसे इन ताज़ा तसव्वुरात को, इस मसरत को जैसे यह नींद जन्म देती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से शायर ने नींद के यहाँ पे अहमियत बता दी है, क्योंकि उसको खुद को नींद नहीं आई थी, फिर इसने नींद की इम्पोर्टेंस बता दी है कि अगर नींद नहीं आएगी फिर दिन जो हमारा होता है अच्छा नहीं गुजरता है। तो लेट अस लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसमें एक आया है बी सीज, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स माई डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से आया है लाई क्राई, ले डे, स्टीलथ हेल्थ, ये सब क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं माई डियर स्टूडेंट्स। एंड इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए, लेजरली इन ए रिलैक्सड वे, मेलोडी ट्यून, मर्मरिंग ग्रम्बलिंग, मेलनकोली, सैड, बैरियर, बर्की, यानी कि कुछ रुकावट, किसी भी चीज़ को हम बैरियर कह सकते हैं, जो सेपरेट करता हो किसी आपस में एक दूसरी चीज़ों को। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।